एक आईटी प्रोफेशनल था। अब पति पत्नी का झगड़ा हुआ और डाइवोर्स हो गया तो पति के मन में वैर भाव भर गया पत्नी के प्रति। वो बेवफा निकली, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किंतु उसने अनुभव किया कि वैर रखने से उसका स्वयं का मन दूषित हो रहा है। अब समझ में आया कि वैर मुक्त होना चाहिए, लेकिन कैसे होंगे ये पता नहीं चल रहा। तो जानकारी मिली कि आत्मवार्ता हम लोग जो करते हैं इसको बदलना होगा। आत्मवार्ता हम करते हैं। आप कहें स्वामी जी हम अपने आप से बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। प्रवचन सुनते जा रहे हैं और चर्चा हो रही है, ये पॉइंट तो ठीक है, अरे ये पॉइंट थोड़ा कम ठीक है। अब जो छोटे बच्चे हैं वो आत्मवार्ता भी जोर से करते हैं। एक बार मैं किसी के घर में गया, रहा था वहां पे अमेरिका में, तो अचानक दिन में हल्ला होने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, ये हल्ला हो कहां से रहा, तो पाया कि बगल में उनके छोटे बच्चे का कमरा था। वो बच्चा खिलौने चारों तरफ रख कर और मजे के साथ खिलौनों से बात कर रहा था। तो बच्चे लोग जोर जोर से आत्मवार्ता करते। अब यदि बड़े होकर हम इस प्रकार से करेंगे, लोग कहेंगे ये पागल है। जैसे आप देखते हैं कि कोई आदमी सड़क पर चल रहा है और अपने आप से बात भी करता जा रहा है, आपको लगता है इसका कुछ ऑफ हो गया। तो आत्मवार्ता अब हम भीतर भीतर चुपचाप करते रहते हैं। वो ही आत्मवार्ता हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। तो उस पर हमें ध्यान देना है एवं उसको सकारात्मक बनाना है। तो ये आईटी प्रोफेशनल ने अनुभव किया कि मेरे मन का वैर तो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या किया जाए। उसने अपने पासवर्ड को चेंज कर दिया। अब प्रति 3 मास में अपने कंपनी के सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती थी। अब उस पासवर्ड में एक बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, मिनिमम एक छोटा भी, एक अन्य कैरेक्टर, एक न्यूमरल, कहाँ तक याद करें। तो उसने अपना पासवर्ड बना दिया फॉर गिव, वो ए जो है हर, फॉरगिव हर। अब वो जितनी बार वो टाइप करता था फॉरगिव हर फॉरगिव हर फॉरगिव हर, धीरे धीरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ने लगा और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि वैर अंदर से खत्म हो रहा है। ये सही आत्मवार्ता का परिणाम। तो ये बात तो समझ में आई कि अवचेतन मन को मित्र बनाने के लिए एक सशक्त यंत्र है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। किंतु आज हम इससे भी शक्तिशाली एक यंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। वो क्या है? विजुअलाइजेशन। शब्दों का प्रभाव हमारी ऊपर जोरदार पड़ता है, लेकिन चित्र का प्रभाव ये और भी जोरदार पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 words। हम लोग जो सोचते हैं अक्सर पिक्चरों के माध्यम से सोचते हैं। जैसे मान लो आप कहीं प्रोग्राम के लिए गए और प्रोग्राम के बाद पार्किंग में आए, अपनी गाड़ी को वहाँ खोजते हैं, तो कैसे खोजते हैं? नंबर से नहीं, आपकी गाड़ी की पिक्चर आपके मन में, उसके
से आप कंपेयर करते चले जाते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ ये वाली। तो पिक्चर से ही हम लोग सीखे। जब हम छोटे थे हमको एक कार की पिक्चर दिखाई गई और हमको सिखाया गया ये कार है, बोलो बच्चों। तो तब से हम लोग पिक्चरों का उपयोग करने लगे अपने सोचने में। वो पिक्चर हमारे अवचेतन पर जाके जोरदार छाप डाल रही थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था उस समय एक ईमेल इत्यादि तो होता ही नहीं था, तो हम लोग चिट्ठी लिख के उसके पोस्ट बॉक्स में डाला करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि चिट्ठी तो लिखी और सोचा कि कॉलेज जाएंगे चलते हुए, पोस्ट बॉक्स आएगा उसमें डाल देंगे। मित्रों से बात करते हुए भूल गए, कहा अच्छा चलो अगले दिन फिर कर देंगे, फिर भूल गए। आते समय कर देंगे, फिर भूल गए। मैंने कहा अब क्या किया जाए, ये उस समय अन्य मनस्क हो जाते हैं। तो मन में पोस्ट बॉक्स को बनाया और चिट्ठी का की छवि भी बनाई और उसको बड़ा कर दिए। अब वो चित्र रखा मन में कि बड़ी सी चिट्ठी मैं पोस्ट बॉक्स में डाल रहा हूं। तो उसको कुछ क्षण तक जब मन में होल्ड किया तो वो अवचेतन मन में पहुंच गई और उसके पश्चात जब ठीक समय आया तो अवचेतन मन ने याद दिला दिया भाई चिट्ठी पोस्ट करनी थी। तो ये चित्र का जो प्रभाव पड़ता है अवचेतन मन पर, इसका हम उपयोग कर सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करने में। देखिए जब नव वर्ष आता है सब लोग नव वर्ष का संकल्प लिख लेते हैं, मैं प्रतिदिन एक घंटे के लिए योगासन करूंगा, प्राणायाम करूंगा इत्यादि इत्यादि। किंतु 15 दिन में सब भूल भाल जाते हैं, क्योंकि वो अक्षर लिख दिए अपनी डायरी में और अक्षर तो अक्षर ही है। एक व्यक्ति 3 जनवरी को जिम गया व्यायाम के लिए, उसने देखा हर मशीन के सामने लाइन लगी हुई है और पार्किंग लॉट भी भरा। जिम के मैनेजर से उसने पूछा कि क्या मुझे जिम चेंज करनी पड़ेगी, आपके यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। मैनेजर ने कहा साहब ये सब नव वर्ष संकल्प के लोग हैं, 15 दिन वेट कीजिए फिर से जिम खाली हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम जो शब्दों में नववर्ष का संकल्प लेते हैं, अगर हम उसका चित्रण करके अपने अंतःकरण में धारण कर लें मुझे ऐसा बनना है, और उसको हम कुछ क्षण रखें तो वो चित्र जाके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर देगा और फिर हमारा अवचेतन मन हमें प्रोत्साहित करता रहेगा, मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे तो ऐसा करना है। ये हमने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चित्र यानी विजुअलाइजेशन के द्वारा कर दी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी YouTube चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।